तो आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कवर करेंगे हम सभी 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चैनल के ऊपर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको जो है वो मिलता रहे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर इस वीडियो पे करिएगा। 10 से 12 मिनट के अंदर रोज मेन कंटेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको डेली यहां पर करवा देता हूं और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98, ठीक। और संडे को शाम को 4 बजे ना जुलाई के महीने के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बनता है उसका पूरा का पूरा रिवीजन मैं आपको शाम को 4 बजे कराऊंगा। तो वहां पर अपने आपको कम से कम जज करते रहिएगा कितने स्कोर आप सभी जो है वो सही दे पा रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है? अमेरिका के प्रोफेसर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका प्रदीप छिब्बर और हर्षा, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। उस पुस्तक का जो है प्रकाशन, वो पुस्तक जो है वो कहां से प्रकाशित होगा यह आपको बताना है। पुस्तक का नाम क्या है आप सभी का? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यह पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का जो लेखक है उनका नाम क्या है आपका? प्रदीप छिब्बर और आपका हर्षा। यह किस प्रकाशन के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाएगा? तो आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में सर्फ सार्क के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? कहने का मतलब क्या है, डिजिटली यानी कहां का इंसान, कहां के लोग सबसे ज्यादा डिजिटली लाइफ जीते, यानी ऑनलाइन पेटीएम बोल लो, एटीएम बोल लो, लैपटॉप बोल लो, यानी डिजिटल तरीके से कहां के लोग जो है वो सबसे ज्यादा अपना लाइफ जो है वो जी रहे हैं, तो टॉप पर कौन है? और यह सर्वे ना 85 कंट्री के बीच में हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो क्लियर लिखा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 85 कंट्री के बीच में यह हुआ है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है आपका डेनमार्क, यानी डिजिटल लाइफ जीने के मामले में डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है। 2 पर देख रहे हैं लिस्ट में आपका कौन है? स्वीडन है, कनाडा है, फ्रांस है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, यूके है। अब आपके माइंड में आएगा भैया इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का जो स्थान दिया गया है ना इस 85 देश में, इंडिया का स्थान है आपका 57 नंबर पर। इंडिया का रैंक भी कम से कम आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं डेनमार्क को लेकर और डेनमार्क का राजधानी का नाम क्या है आपका? कोपेनहेगन। और मुद्रा का बात करें तो वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? डेनिश क्रोन। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मेटे फ्रेडरिकसन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैंसर के बारे में व्याख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक वेद के द्वारा संपादित पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये किताब जो है वो किसके द्वारा इस किताब का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यह जो कैंसर के ऊपर जिस किताब का विमोचन किया गया उस किताब का नाम क्या है? आप देख पा रहे हैं फोटो किसका है, आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक के वजह से लोग क्या है यहां पर, इंसान क्या है अपना पेट को पकड़ा है। तो जो पुस्तक का नाम दिया गया ना, पुस्तक का नाम भी यही दिया गया है, गैस्ट्रिक कैंसर, ये याद रखिएगा पुस्तक का नाम, ठीक है। और एक बात, वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं हम सभी? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने राज्य बनाने के 20 साल के बाद एक नया राज्य प्रतीक लॉन्च किया है? नया एम्बलम लॉन्च किया गया है आपका किस राज्य के द्वारा, आपको बताना है। 20 साल हो गए बिहार से अलग होते, किस राज्य को? झारखंड को। आप सभी को पता है नवंबर के महीने में 2000 वर्ष में बिहार से अलग हुआ था कौन? आपका झारखंड। और 20
20 साल पूरा होने के अवसर पर वहां के मुख्यमंत्री झारखंड के, क्या नाम है, हेमंत सोरेन, इनके द्वारा जो है नया चिन्ह प्रतीक झारखंड का जो है वो जारी किया गया है। और आज का आपका पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है, आंसर क्या होगा आपका, झारखंड। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया, हेमंत सोरेन। राजधानी भी बताई देते हैं, रांची, दो चीज क्लियर कर दिए। अब आपको यह बताना है कि यहां के गवर्नर, राज्यपाल का नाम क्या है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस का नाम क्या है, और झारखंड में लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है, यह चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी रीअपॉइंटेड, इनको दोबारा से चुन लिया गया है, इक्वेटोरियल गियाना का प्रधानमंत्री, इनका नाम है क्या, देख पा रहे हैं ना, इनका नाम है आपका फ्रांसिस्को एसयू। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इक्वेटोरियल गियाना का कैपिटल क्या है, तो मलाबो। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। एक्चुअल में ना ये जितने भी देश है ना, ये सब एक टापू है। आप देखे होंगे अक्सर क्रिकेट में वेस्ट इंडीज, जिससे क्रिस गेल, एंड्रे रसल, ब्रेवो, नारायण पोलार्ड, ये सब जो क्रिकेट खेलते हैं, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। आप जैसे भारत क्या है, भारत एक देश है, वैसे वेस्ट इंडीज जो है ना, एक बहुत सारे टापू को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है आपका, वेस्ट इंडीज, ये आप क्लियर रखना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया, क्वेश्चन क्या बोला, प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रॉवले ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, ये कौन है आपका, तो त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री। देखो अब त्रिनाद एंड टोबैगो के क्रिस गेल रहने वाले हैं, ब्रेवो रहने वाले हैं, लेकिन वो कहां से खेलते हैं, वेस्ट इंडीज से। तो वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, वो बहुत सारे छोटे छोटे टापू से ना मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। त्रिनाद एंड टोबैगो का जो कैपिटल है, राजधानी, उसका नाम क्या है आपका, पोर्ट स्पेन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, त्रिनाद एंड टोबैगो डॉलर, डॉलर उनके लैंग्वेज में बोल रहा हूं, क्या है, डॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, क्या, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड का प्रमुख कौन होगा, चेयरमैन किसे बनाया गया एनपीसीआई का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम क्या, रितेश शुक्ला, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस रिटेल, जियो और अलाना समूह के साथ जो है वो डील साइन किया है, ताकि उस राज्य की महिलाओं को जो है वो इंपावर, यानी उस वहां के राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। तो यह डील साइन किया गया है इन कंपनियों के साथ, किसका, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा डी। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंद, वहां के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, जेके महेश्वरी, यानी जितेंद्र कुमार महेश्वरी। और लोकसभा सीट कितना है आपका आंध्र प्रदेश में, 25, राज्यसभा आपका 11। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 25 अगस्त 2020 को WHO के द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, आपको बताना है। तो वो कंट्री कौन सा है, वो द्वीप बोलना है आपको, कंटिनेंट, तो वो कंटिनेंट है आपका अफ्रीका। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे रहा हूं, देखो ऑलमोस्ट सारे कंट्री जो है ना वो पोलियो मुक्त हो चुके हैं, बस दो को छोड़कर। इस दो कंट्री के कुछ हिस्से में ना पोलियो रह गया है, वो चीज याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो वो कंट्री है आपका, एक तो पाकिस्तान और दूसरा कंट्री है आपका अफगानिस्तान। इस दो कंट्री में ना पोलियो कुछ हिस्से में रह गया है, यानी इस धरती पर दो कंट्री ऐसा है जो अभी तक पोलियो मुक्त जो है वो नहीं हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? कौन है ये? हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू। और यहां पर देख रहे ब्रिक्स यानी बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। जितने भी गेम होते हैं ब्रिक्स का सारा गेम जो है 2021 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो वो अपना भारत। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का आज क्या डेट है आपका? 28 अगस्त का। और इसका सारा पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है? टेलीग्राम वाले चैनल से। हर एक कंटेंट वहां पर मैं डाल देता हूं। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और एक बात अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।